प्रिय विद्यार्थी मित्रांनो, अस्सलामु अलैकुम। मी फिरोज शफी शहा, उपशिक्षक तहजीब उर्दू हायस्कूल चाळीसगाव। विद्यार्थी मित्रांनो, चला आता आपण कवयित्री शांता शिर्के लिखित भारत माता हा गीत अभ्यासू। प्रियतम अमची भारत माता, आम्ही सारी तिची मुले। या ओळींद्वारा कवयित्री शांता शिर्के असे सांगतात की आमचा जो देश आहे भारत, त्याला आम्ही भारत माता म्हणून संबोधतो। तो आम्हाला प्रियतम म्हणजे अतिशय आवडणारा आहे आणि आम्ही सारी तिची मुले आहोत। इन अशआर में शायरा शांता शिर्के कहते हैं कि हमारा जो मुल्क है भारत, जिसे हम भारत माता कहते हैं, वो हमें बहुत ही प्रियतम यानी बहुत ही ज्यादा पसंद है और हम सब उसकी औलाद है। रंग वेगड़े गंध वेगड़े तरी एथली सर्व फुले। या ओळींद्वारा कवयित्री शांता शिर्के असे सांगतात की उद्यानात वेगवेगळ्या रंगांची फुले असतात आणि त्यांचा गंध म्हणजे सुवास देखील वेगवेगळा असतो, मात्र तरी देखील सर्व फुले एकाच उद्यानाची मानली जातात। या ठिकाणी कवयित्री सांगू इच्छितात की आमच्या देशातही वेगवेगळ्या जाती धर्माचे पंथाचे लोक राहतात, प्रत्येकाची भाषा संस्कृती रीती रिवाज परंपरा वेगवेगळ्या आहेत, मात्र तरी देखील सर्व एकाच देशाचे मानले जातात। इन अशआर में शायरा कहते हैं कि बागीचे में तरह तरह के फूल होते हैं, उनका रंग भी अलग अलग होता है, उनकी खुशबू भी अलग अलग होती है, लेकिन इसके बावजूद भी तमाम फूल एक ही बागीचे के माने जाते हैं। यहाँ पर शायरा कहना चाहते हैं कि इसी तरह हमारे मुल्क में भी अलग अलग जाति के पंथ के मजहब के लोग रहते हैं, हर किसी की जबान अलग है, हर किसी की तहजीब अलग है, हर किसी के रीति रिवाज अलग अलग है, लेकिन इसके बावजूद भी सभी लोग एक ही मुल्क के माने जाते हैं। प्रिय अमाला एथिल माती, प्रिय हे पानी झुरझुरते। या ओळींद्वारा कवयित्री सांगतात की आम्हाला आमच्या देशाची माती, आम्हाला आमच्या देशाची माती खूप प्रिय आहे, म्हणजे प्रिय म्हणजे आवडणारी आहे। तसेच आमच्या देशात वाहणाऱ्या नद्या आणि दऱ्याखोऱ्यातून जे पाणी झुळझुळ करून वाहते, ते झुळझुळणारे पाणी देखील आम्हाला खूप प्रिय म्हणजे आवडणारे आहे। यहाँ पर शायरा कहना चाहते है या कहते है कि हमारे मुल्क की मिट्टी हमें बहुत ही अजीज है और यहाँ की नदियां और दरियाओं में बहता हुआ कलकल करता बहता हुआ पानी भी हमें बहुत अजीज है।